नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में, इंडिया के सबसे बड़े हिंदी के चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मोहित शुक्ला। और कैसी है मेरी एमएस आर्मी? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो नोटिफिकेशन सबको आ गई। चलिए तो जिसको जिसको नोटिफिकेशन आ गई जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिसको नहीं आई है फिर भी अवेलेबल है वो तो ज़रूर लाइक कर दे। और आशा है कि सभी बढ़िया होंगे, सभी सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा सेट है, सेट नंबर 18 होने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहिए, आज 18वें नंबर पे चलेंगे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोग के कमेंट ऑफ द डे दिखा दूं। वैसे आप सभी लोग कमेंट करते हो, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स उनमें से किसी एक का मैं कमेंट से डेली सिलेक्ट करता हूँ। तो आज का कमेंट है सत्यम जी की तरफ से, सर मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने आपकी टेस्ट में 30 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। हम लोगों की प्रति मेहनत का नतीजा है, थैंक यू। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, हम लोग का इसमें कुछ भी कुछ खास योगदान है। हम लोग बस ये है कि हम लोग एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आप सभी को पता है कि हम लोग कम्प्लीटली आप लोग को फ्री एजुकेशन, ये आज से नहीं लगभग पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जब कभी ऐसा कहीं संभव नहीं था कि जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जा सकती है वहाँ पे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब से हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं, बाकी आप लोग की मेहनत का नतीजा है। तो शुरू करते हैं फिलहाल आज की क्लास से। और आप सभी का मैं कमेंट्स देखता हूँ, जिनका कमेंट्स जो जो कमेंट्स करते हो सबका कमेंट्स आता है, ठीक है? तो ऐसा चिंता करने की बात नहीं है। तो तिल का ताड़ करने का मतलब क्या होता है कि तुच्छ बात को महत्व देना, आपका ऑप्शन नंबर 1, जैसा कि आप सभी ने कमेंट किया है, एकदम सही बात है। आगे चलिए सेकेंड नंबर पर। और टारगेट है आज का कितना, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आज मैं कोई टारगेट नहीं देता हूँ आपको, आज मैं आप लोगों के सामने कोई टारगेट नहीं रखूँगा। आज जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है और लास्ट में बताना है कितने सही कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन गलतियाँ काउंट करते रहना ताकि पता चलेगा। अक्षर बोध प्रणाली छात्रों का क्या होना चाहिए, इसमें किस तरीके से, इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है, उच्चारण शुद्ध होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर अक्षर हमको पता है, जैसे हमको ये पता है कि आपका क्ष है, ठीक है, क्ष यानी आधा क और श, आधा क और श मिलके बनता है, तो हमको पता होता है कि एक क्ष बनना है। अगर अक्षर ही अक्षर का ज्ञान नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा इसको क्या पढ़ेंगे, सब लोग इसको कक्षा ही पढ़ेंगे, है ना? तो कक्षा और कक्षा में अंतर नहीं रह जाएगा। सही वर्तनी इनमें से क्या है, निवृत्ति किस तरीके से लिखी जाती है, जल्दी बताइएगा। और अगर गति ज़्यादा लगेगा तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय होना चाहिए था, गलत लिखा है, प्रत्यय लिखा है, ठीक है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो भुलक्कड़ में आप सभी को पता है अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भूल आपका क्या है, मूल शब्द है, उसमें लग गया अक्कड़, तो क्या हो गया, भुलक्कड़। आगे चलते हैं 5वें नंबर पे, चीफ की दावत। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बूढ़ी अम्मा पर कहानी है, आप लोगों ने अगर पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ा है, लॉकडाउन का समय है, मुश्किल से आधे घंटे नहीं, अगर आप तेज़ रीडर हैं, अच्छे रीडर हैं, तो 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा की कहानी नहीं होगी विद सारांश, ठीक है? तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये भीष्म साहनी की लिखी गई है और ये प्रेमचंद्र की एक जो कहानी थी बूढ़ी काकी, ठीक है? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, बूढ़ी काकी किसकी रचना है, तो ये प्रेमचंद्र जी की है, उससे बहुत मैच करती है चीफ की दावत, तो एक बार पढ़िएगा। आगे चलते हैं 6वें नंबर पर, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइएगा। तो टिकाऊ में आपका प्रत्यय है आपका आऊ, टिक, देखो टिक आपका क्या है, एक मूल शब्द है, उसमें क्या लग गया, आऊ। आगे चलिएगा, आपके सामने है करुण शब्द का विलोम क्या होता है, तो करुण आप लोग जानते हैं, करुण मतलब बहुत ज़्यादा जो दयालु हो, और बोलते हैं ना जो करुण नहीं होता कहते तुम बहुत ही ज़्यादा निष्ठुर हो, निष्ठुर, तो निष्ठुर आपका करुण का विपरीत हो गया। आगे चलेगा 8वें नंबर पर, इनमें से कौन सी सही वर्तनी है, जल्दी बताइएगा सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। तो प्रत्यावर्तन किस तरीके से लिखा जाएगा, तो पहला देखिएगा, पहला ही प्रत्यावर्तन, ठीक है? तो पहले ही सही लिखा हुआ है, तो इनमें कोई टेंशन नहीं है। अगला प्रश्न, मानस के हंस, तो मानस के हंस किसकी रचना है, जल्दी बताइएगा। तो मानस के हंस आप सभी को पता है किसकी रचना है, ये अमृतलाल नागर जी की रचना है, ठीक है? तो सबको दिमाग में रहना है, मानस के हंस किसने पूछा है या किसने लिखा है, तो अमृता नागर ने, कई परीक्षाओं में आया हुआ है, जैसे कि पिछली बार यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें आया हुआ था। आगे देखिएगा 10वां प्रश्न, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है? यानी जिसमें अर्थ ग्रहण की बात करेंगे, तो अर्थ ग्रहण की बात करेंगे जहाँ से, एक तो होता है कविता, ठीक है, जहाँ से अर्थ ग्रहण की जाती है, या उसको हम कह देते हैं पद्य, यहाँ पे देखिए पद्य है, पद्य लिखा हुआ है, पद्य होना चाहिए, ठीक है? ये
तो पद्य होगा, ठीक है। रचनात्मक लेखक की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण के लिए, तो आपका पद्य होगा या कविता होगा जिसमें से हम लोग अर्थ निकालते हैं। समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है जल्दी बताइएगा। तो समूहवाचक इनमें से कौन सा आपको समूहवाचक संज्ञा लग रही है जहाँ पर समूह की बात हो, ठीक है, तो जल्दी बताइएगा। हाँ, तो गुलाब, पौधे, चावल और अंगूर, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। हाँ देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ होता है जैसे अगर इंग्लिश में हम लोग देखेंगे कि नाउन में आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है ना, बहुवचन और एकवचन में। तो समूहवाचक की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंगूर की, तो अंगूर आपका समूहवाचक के अंतर्गत आता ही है, ठीक है। बाकी बहुत लोग कहेंगे कि पौधे, तो पौधे बहुवचन में भले हैं लेकिन ये हमारे समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आएंगे। समूहवाचक का मतलब क्या होता है कि किसी एक ग्रुप की बात हो, तो अंगूर एक क्या है, फल का प्रकार है, ठीक है। आगे चलेगा, कर्मभूमि के लेखक कौन है, तो कर्मभूमि आपको पता है ये हमारे महान गोदान जिन्होंने लिखा है, गबन लिखा है, प्रेमचंद्र जी। आगे देखिएगा, तुषाण में कौन सी संधि है, तुषाण, तो तुषाण में कौन सी संधि है जल्दी बताइएगा। तो तुषाण में आपकी व्यंजन संधि है, इसको इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, इन सभी पे मैंने वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अनूठा, अनूढ़ा लिखा है, अनूढ़ा, ठीक है, या अनूढ़ा, तो अनूढ़ा और अनूढ़ा इसका अर्थ आपको बताना है, तो या इसका पर्यायवाची आप समझ लें या जो भी आपको बताना है, आप जो भी है समझ के बताएं, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। क्या कहेंगे, वेरी नाइस, कुमारी, ठीक है। अनूढ़ा को हम लोग क्या कहते हैं, या अनूढ़ा को हम लोग क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। जो मापा ना जा सके, जिसको हम माप ही नहीं सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि सभी का नाप लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कह देते हैं, ठीक है, जो चारों तरफ की माप होती है, परिमाप। तो जो माप ही नहीं सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमाप हो जाएगा, या अपरिमेय, जिसको माप नहीं सकते हैं, अपरिमेय, जो मापा ना जा सके अपरिमेय हो गया। आगे देखिएगा, बाहें खिलना, बाहें खिलना मतलब कब होता है, जब एकदम खिल जाना, खिलना तो शब्द ही अपने आप में एक खुशी का शब्द है ना, तो सभी को पता है ये हमारा एक खुशी को प्रदर्शित करता है, खुशी नामक चीज़ें है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना, आपका ऑप्शन नंबर 3। जिसका कोई आकार नहीं होता, बोलते ना निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं उसको क्या कहेंगे, निराकार कहेंगे। गौशाला में कौन सा समास है, और आप सभी को पता है कि गौशाला, यहाँ पर अगर समास की बात करें यानी गौ की शाला, तो यहाँ पर जहाँ पर इस तरीके का कारक चिन्ह जैसा कोई चिन्ह आ जाए तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे तत्पुरुष समास। और अगर ज़्यादा तेज लग रहा हो आप लोगों, तेज तो नहीं लग रहा है ना किसी को, बहुत ही नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ मैं, और मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा समय फालतू बातों से करने से अच्छा है कि हम लोग क्वेश्चंस कम समय में ज़्यादा कर ले, ताकि आपका भी समय, आपका भी कीमती समय होता है, तो आपका समय बच जाए इस वजह से। अगला देखिएगा, व्याकरण को जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा एक शब्द में, तो जो व्याकरण को जानता है उसको हम लोग कहते हैं व्याकरण, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट होता है, जब दो अर्थ मिलाते हैं या दो शब्द को मिलाते हैं, जैसे दस और आनन को मिला लेते हैं क्या होता है, दशानन, और तीसरा अर्थ निकल के आता है, या नील और कंठ को मिला के नीलकंठ, तीसरा अर्थ निकल के आया, क्या कहलाएंगे उसको, बहुब्रीहि। 20 प्रश्न हो गए, कितनी गलतियां हुई हैं अभी तक, कोशिश करिए कि एक भी गलती ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या कहेंगे, जो उर्वरा मतलब होता है जो उपजाऊ भूमि होती है, उसको हम लोग कह देते हैं उर्वर भूमि, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं उर्वरक, उर्वरक एक होते हैं ना जब खेतों में डाले जाते हैं, तो उपजाऊ भूमि। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें गूंगा किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखिए चंद्र बिंदी, तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले एक होता है नॉर्मल बिंदी, एक होता है आपके सामने एक चंद्र बिंदी, और एक होता है चंद्रमा। तो जो चंद्रमा होता है वह अंग्रेजी वाले शब्द से डॉग, डॉक्टर, ठीक है, तो इन सब जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदी क्या होता है कि उसी में समाहित होता है, गू, तो ग में ही ऊ जुड़ा हुआ है, गू, और बिंदी का होता है गुंग, अगर बिंदी लगती तो होता गुंग। जैसे अगर पहला वाला शब्द देखे तो पहला बोलेगा गुंगा, तो पहला अगर पढ़ा जाएगा तो गुंगा पढ़ा जाएगा, दूसरा गुंगा पढ़ा जाएगा, तीसरा देखिए गुंगा, इस तरीके से। अंतर समझ में आ रहा है ना आपको, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। चलिए
हाँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इन तीनों चीज़ों में, तो ये दिमाग में रखना है। 23वें आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कुमुदिनी किस तरीके से लिखा जाता है, तो कुमुदिनी जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ये लिखा जाता है, आपका एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं 24वें नंबर पर, इसमें सुषुप्ति कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से देखिए चारों ऑप्शन एकदम सरसराती हुई निगाह से। हाँ, और आप सभी को पता है, अच्छा मैंने कल ये जो बोला था कि चिड़िया की आँख दिख रही है, तो मुझे एक कमेंट आया था कि सर वो चिड़िया की आँख नहीं, अर्जुन मछली की आँख में निशाना मारता है। तो दोस्त मैं बात कर रहा था, वो जब ट्रेनिंग पीरियड में थे अर्जुन, तो उस समय जब पेड़ पे चिड़िया बैठी रहती थी, पेड़ पे चिड़िया बैठी थी, तो द्रोणाचार्य बोलते हैं ना कि निशाना लगाना है, तो सबसे बारी बारी से पूछते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन बोलते हैं मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, तो मैं उस चिड़िया की बात कर रहा था। मछली को तो मारता ही, वो तो जल में देख के मार देता, वो तो ट्रेंड हो जाता है, मैं ट्रेनिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है, आप सब भी ट्रेनिंग पीरियड में है, तो आप लोगों को मछली की आँख तो बाद में दिखेगी ही दिखेगी, अभी आपको चिड़िया की आँख देखनी है, ठीक है। इसका होगा सुषुप्ति आपका ऑप्शन नंबर 4। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, जल्दी बताइएगा मेरे सभी अर्जुनों, जल्दी बताइएगा कवित्री किस तरीके से लिखा जाएगा, कवित्री लिखा जाएगा, कवि इत्री लिखा जाएगा, बिल्कुल कवि इत्री नहीं होता है, कवित्री नहीं होता है, कवि इत्री नहीं होता है, सही कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। बंधुत्व में किस प्रकार का संज्ञा है, देखिए जब भी अगर त्व आ गया ना कहीं पे, बंधुत्व पितत्व, ठीक है, कभी कभी जो बहुत ज़्यादा शैतान हो जाता है ना, तो कह देते हैं कि तुम्हारे पास ना रावणत्व आ गया है, रावणत्व, रावणत्व समझते हैं आप लोग, हाँ जो बहुत शैतान है, रावणत्व ज़्यादा है तुम्हारे अंदर, रामत्व कम है, रावणत्व ज़्यादा, तो जहाँ भी त्व हो गया वो हमारा भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। 27 में आइएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले चयन बताना है, आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद तो आप लोग जानते हैं, आशी फिर उसके बाद आया है फिर वाद, बहुत लोग यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिएगा 28 में, युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है, देखिए जल्दी बताइएगा युधिष्ठिर का सही कैसा होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, पांडव पुत्र, पांडु पुत्र, ठीक है, पांडव में से सबसे बड़े और पांडु पुत्र, युधिष्ठिर आपका ऑप्शन नंबर 1। निमिष, निमिष का पर्यायवाची कहते हैं निमिष मात्र है, निमिष मात्र मतलब हाँ क्षण भर की, क्षण भंगूर जिसे बोलते हैं, ऐसे निमिष मात्र, क्षण भंगूर, तो आपका क्षण, निमिष को हम लोग क्या कहते हैं, क्षण कहते हैं। आगे आते हैं 30 में, जिसका पूर्व से कोई आशा न हो, जिसको हम लोग मतलब कोई आशा नहीं है, कोई प्रत्याशा नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या कहते हैं, क्या बात है, क्या कहेंगे, अप्रत्याशित, क्या कहेंगे आपका, अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आप सभी का, तो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करिएगा, सारे अर्जुन लोगों जल्दी से कमेंट करिए कितने क्वेश्चन सही कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। और क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सभी लोग, टेलीग्राम किसके किसके फ़ोन में नहीं है, वैसे पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं सबके पास टेलीग्राम है, और लेकिन बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है सर्च कर सकते हैं MS SSC नोट्स, और सर्च करके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मैं सेम आईडी से हूँ, अगर इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें यहीं से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई भी समस्या हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हमसे मिलिएगा, ठीक है। मिलते हैं बाकी हम लोग अपनी अगली क्लासेस में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।